अफगानिस्तान ही वो मुल्क था जिसने आपको यूनाइटेड नेशंस में रिकग्नाइज भी किया था, और तालिबान भी हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ते हैं। 90 की दहाई में भी उन्होंने दुरंद लाइन नहीं रिकग्नाइज की थी, आप गए थे उनके पास ये काम कराने। आज भी तालिबान अपना सेल्फ इंटरेस्ट रख के फिर आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो बिला वजह शोर है ना कि कोई बहुत बड़ी हमारी विक्ट्री हो गई है और हमें बैक बैरल उनके साथ चल पड़ना चाहिए, मेरा ख्याल हमें भी अपना इंटरेस्ट देख। हिंदुस्तान जिसकी 1,300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोस की। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। तेल जो था वो उनको मिलता था सिर्फ लोगों को डालने के लिए, इतनी चढ़ाचन बनी थी, लेकिन ईरान चलता रहा। तो अगर चाइना की सपोर्ट मौजूद है, आप अगर चाइना की सपोर्ट के ऊपर कोरिया चल कर लिया, अगर चाइना की सपोर्ट के ऊपर और मालक चल गए तो ये मुल्क पीछा, और ये सिर्फ एक चाइना नहीं होगा। आप सोच लें चाइना के साथ ये पूरे सेंट्रल एशियन स्टेट्स होंगी जो उसके अंदर उनके साथ चलेंगी। वो इस वक्त तालिबान पे हैं, वो एक बिल्कुल एक सेंटर ऑफ एक्टिविटी बन चुके हैं, एक पिवट बन चुके हैं, जिसका एक दरवाजा जो है वो पूरे सेंट्रल एशिया में खुलता है और दूसरा दरवाजा हमारी तरफ खुलता है। सही है। मेरी सिर्फ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट एक से रही है कि जल्द करें, फैसला जल्द करें। अगर उनको यूएस समझ रहे हैं कि 4 दिन के बाद दुनिया की ताकतें उठेंगी, तालिबान का तख्ता उलट देंगी, तो ये ख्वाब देखना छोड़ दें। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे लोग आज ख्वाब देख रहे हैं, ये समझते हैं कि वहां पर दम नहीं हो। बिल्कुल सही है, और मैं यही सवाल करने वाला था डॉक्टर उमा साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान अफगानिस्तान को तस्लीम करने के लिए बड़ी ताकतों की तरफ देखेगा, या पाकिस्तान को अपना फैसला खुद करना चाहिए अफगानिस्तान को में नई हुकूमत को तस्लीम करने में? देखिए जी, हमें बहुत बैलेंस के साथ चलने की जरूरत है। मैं औरिया जान साहब की पॉइंट ऑफ व्यू की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन हमारा एक बैगेज है और हमारा बैगेज ये है कि आपको इस वक्त नस्ती किया जा रहा है तालिबान के साथ, आप ऑपरेशनली फैसिलिटेट और सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उनको ओवरट रिकग्निशन देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। अभी चाइना ने भी उनको रिकग्निशन नहीं दी है, लेकिन डिफेक्टो रिकग्निशन है, पाकिस्तान ने भी तकरीबन डिफेक्टो रिकग्निशन दी हुई है, तो इसमें जल्दी करने की क्या जरूरत है? जब बीगर कैपिटल्स करेंगे तो पाकिस्तान भी कर लेगा। अफगानिस्तान ही वो मुल्क था जिसने आपको यूनाइटेड नेशंस में रिकग्नाइज भी किया था, और तालिबान भी हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ते हैं। 90 की दहाई में भी उन्होंने दुरंद लाइन नहीं रिकग्नाइज की थी, आप गए थे उनके पास ये काम कराने। आज भी तालिबान अपना सेल्फ इंटरेस्ट रख के फिर आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो बिला वजह शोर है ना कि कोई बहुत बड़ी हमारी विक्ट्री हो गई है और हमें बैक बैरल उनके साथ चल पड़ना चाहिए, मेरा ख्याल हमें भी अपना इंटरेस्ट देके आगे चलना चाहिए। हमारे बहुत दफा हाथ जले हैं तालिबान के साथ भी। सही है। अच्छा ओरिया साहब, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं। मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था 1997-98 के अंदर। 70 साल की तारीख में पाकिस्तान ने पहली दफा ड्यूरन लाइन पे पुर्जियां लगाई थी, उन्होंने तस्लीम किया था ड्यूरन लाइन के ऊपर। आपके किसने कह दिया कौन लेके गया था? एक दफा भी पाकिस्तान ये रिक्वेस्ट लेके नहीं गया। आखिरी दफा लेके गए थे, और उन लोगों को जानता हूं जो मुज़ाकरात में गए थे, और उन्होंने कहा था कि आज ऑल्सो अमेरिकन आ चुके हुए थे, उन्होंने कहा था ये ड्यूरन लाइन को तस्लीम किया, तो उसने कहा लोही जिरगा जो है उसके सामने रख देंगे। और दूसरी बात, और मुल्ला अमर ने एक बड़ी कमाल बात की थी, उसने कहा था हम मुसलमान बुनियादी तौर पर इन चीजों को तस्लीम ही नहीं करते, ये सरहदें जो कि वेस्टर्न नेशन स्टेट से बनाई हैं, उनका स्टेटमेंट और रिकॉर्ड पे है। पाकिस्तान ने 70 साल बुर्जियां नहीं लगाई। सर्वे ऑफ पाकिस्तान पहली दफा तालिबान के जमाने में आ गया। आई हैव मैंने 400 मील फेंसिंग पर एतराज उठाया है जी, अभी भी फेंसिंग पे एतराज उठाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस पे? फेंसिंग पे। और ये साहब, अभी तालिबान ने फेंसिंग पे तो एतराज उठाया ना? नहीं, तो फेंसिंग पे तो बहुत सारे लोग इतराज करते हैं। फेंसिंग पे इतराज करना ना करने का मसला है। देखें फेंसिंग में तो कश्मीरी भी इतराज करते हैं। फेंसिंग तो दुनिया पूरे में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, मैं तो इस चीज का कायल हूं। अगर यूरोपीय यूनियन फेंसिंग खत्म कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? इंसानों की तो नहीं रह सकते दुनिया में।
इसलिए कि हम सिर्फ भेड़ियों की नस्ल है। यूरोपियन यूनियन से बहुत मुख्तलिफ है और ये जान साहब हमारी जमीनी हकायक है। नहीं खत्म होगी बातें। वो फेंसिंग करनी पड़ी थी और इसी डर से करनी पड़ी थी कि अफगानिस्तान। नहीं नहीं क्या जमीनी हकायक है? नहीं एक सेकंड अमेरिकन क्या जमीनी हकायक है जी। आप सुने एक पर्सन क्या जमीनी हकायक है? और ऐसा पिछले 20 साल पाकिस्तान दहशतगर्दी की जद में रहा है। 120 साल की वॉर ऑफ रोजेज हुई है, हमसे ज्यादा खूनी सरदे हैं, उनकी माएं कत्ल किए हैं, बच्चे कत्ल किए हैं, सही हमसे ज्यादा उनकी तारीख बुरी है जी। चले मैं जनरल जादवान साहब की राय लेना चाहूंगा। जनरल साहब आपकी क्या राय है, पाकिस्तान को फौरन अफगानिस्तान में नई हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए या बड़ी ताकतों को देखकर फिर फैसला करना चाहिए? ये बड़ी ताकतों का लफ्ज तो मुझे बड़ा नागवार गुजरता है। बड़ी ताकतें कौन सी हैं? पाकिस्तान खुद एक ताकत है और उसके जो जमीनी हकायक हैं, जो जमीनी हकायक हैं उनको मद्देनजर रखें। हम 2610 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, ये और कोई भी नहीं करता। हमने 40 लाख अफगान रेफ्यूजीज अपने घर में रखे हुए हैं, ये कोई भी नहीं रखता। 35 से 40 हजार अफगान रोज अपने घर जाता है और वहां से यहाँ आता है, ऐसा कोई भी नहीं रखता। हेल्थ और एजुकेशन के लिए अफगान हम पर डिपेंडेंट हैं, ऐसा और किसी के साथ नहीं है। ट्रेड के लिए लैंड रूट उनके हमसे गुजरते हैं और वार्म वाटर्स में आने के लिए यही एक वाहिद रास्ता है, एक लैंड लॉक कंट्री के लिए यही तजारत का एक रूट है, ऐसा और कहीं भी नहीं होता है। हमारी जबान, हमारा मजहब, हमारा कल्चर उनसे मिलता है जो किसी और नेबर का नहीं मिलता। तो जब ये सारे हकायक अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो हमें इनके तहफ्फुज को मद्देनजर रखते हुए अपने पांव पे खड़े होकर खुद फैसला करना है, आज करें या 15 दिन बाद करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी बात यह है कि ये जो फेंस की बात हो रही है ना, इसको एक प्रिंसिपल इश्यू के तौर पे ले। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने फेंस इसलिए की है कि आपको अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी का खतरा है तो इसको उठा दें, इसकी जरूरत नहीं है। वही गारंटी यू कि अफगानिस्तान में आपका कोई दुश्मन यहां पनप नहीं सकता। आई टेक इट इन दैट सेंस कि इट्स अ गुड विल मैसेज। और दूसरी बात, ये पंशीर की बहुत बात हो रही है, आप एक बात लिख लें और मेरे सुनने वाले तमाम पेन उठा के लिख लें। कोई भी जो माइनॉरिटी अगर रियासत की रिट को चैलेंज करती है तो वो उस सूरत में कर सकती है। वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, व्हेन द रैट लाफ्स एट द कैट द होल मस्ट बी नियरबाय। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इसमें आपने देखा दोस्तों तालिबान को लेकर पाकिस्तान की जो महिला उरिया मकबूल जान से बहस कर रही थी, उस बहस को आपने सुना। आपने देखा कि किस तरीके से वो बता रही थी कि पाकिस्तान को 90s में भी ड्यूरेन लाइन को लेकर तालिबान का वही स्टैंड है और आज भी वही स्टैंड है। ड्यूरेन लाइन जो कि अंग्रेज़ों द्वारा इंडिया और अफगानिस्तान को डिवाइड करने के लिए एक लाइन बनाई गई थी, जिसे अफगानी नहीं मानते हैं, चाहे वो अशरफ गनी की गवर्नमेंट हो या फिर वो हो तालिबान की गवर्नमेंट। ड्यूरेन लाइन को लेकर उनका एक ही स्टैंड है, हम इसे नहीं मानते। और हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने कुछ सस्ती टूटी फूटी फेंसिंग करने की कोशिश की, जिसे तालिबान ने बोला है कि इसे जितना जल्दी हो सके हटा दो, ये बॉर्डर हटा दो। अब ओरिया मकबूल जान को सुनिए आप। ओरिया मकबूल जान कह रहे हैं बॉर्डर हटाओ, ये तो यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाया गया है। ये मतलब कितना बड़ा डिफेंडर है तालिबान का। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये जो ऐसा सोच रहा है वैसा ही कुछ हो, तब पाकिस्तानियों को समझ में आएगा तालिबान को सपोर्ट करने का और तालिबान के आने से सेलिब्रेशन करने का इनको तब रिजल्ट मिलेगा। ओरिया मकबूल जान आपको बता दूँ अमेरिका के खिलाफ इतना जहर उगलता है और इसका सारा खानदान अमेरिका में बसा हुआ, हालांकि इसको वहाँ जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि इसका जो जहर उगला है उसे मतलब किसी न किसी तरीके से अमेरिकन एजेंसीज को पता चला, तो इसे एक बार विमान से नीचे उतार दिया गया था कि तुम अमेरिका नहीं जा सकते हो, यहाँ से मतलब बैठा और इसे नीचे उतार दिया गया था, इसका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया गया था। तो दोस्तों तालिबान, आपने देखा तालिबान भारत से भी दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान ने ये भी बोल दिया है कि कश्मीर को लेकर हम आवाज़ उठाएंगे। तो उठाओ भाई, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और आ जाएगा, बहुत सारे उठाते हैं, तो दिक्कत नहीं है हमें कोई। लेकिन आपको बता दूं कि पाकिस्तान को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि डायरेक्ट जो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, हमारा तो एक आपको भी पता है कि एक बॉर्डर लगता है जिसपे पीओके का बॉर्डर, मतलब पीओके का हिस्से का एक बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, जो कि अभी हमारे कब्जे में नहीं है, लेकिन इंडिया उसे क्लेम करता है और हमारे कब्जे में होगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों जो इस तरीके की बातें हो रही हैं,
कि तालिबान ने सीधा सीधा बोल दिया है कि बॉर्डर हटाइए और ड्यूरल लाइन को हम नहीं मानते, तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर। और अगर किसी तरीके से भारत से जो तालिबान दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत अगर अफगानिस्तान के संबंध बना देता है और बिना बॉर्डर का ये जो सिस्टम मिल जाएगा पहले जैसा, तो आप समझ जाइए कि फिर होगा गेम, और वही वाला गेम जो होता है। तो आपकी क्या राय है, भारत को अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि भारत से अफगानिस्तान के जो प्रवक्ता हैं बहुत बार, मतलब टीवी पर, डिबेट पर, पाकिस्तानी मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, हर जगह बोल चुके हैं कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। तो आप भी समझते हैं कि भारत को अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बनाने हैं, अफगानिस्तान में आइदर एक्स वाई जेड कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें इससे क्या लेना देना? तो ये भी एक हमारे लिए एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है। भारत की गवर्नमेंट बैकडोर डिप्लोमेसी से डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रयास कर रही होगी और बहुत जल्दी हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।